जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको झंडे के बारे में बहुत कुछ पता है तो वीडियो को अंत तक देखिए, आप खुद पे खुद समझ जाएंगे। झंडे को देखना और उसके रंग, आकार, पैटर्न की सराहना करना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि झंडे को एक निश्चित तरीके से क्यों बनाया जाता है? आज हम आपको बताएंगे दुनिया के झंडों के बारे में 10 शानदार फैक्ट जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जिसमें 4 भुजाएं नहीं होती हैं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल का झंडा एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल नहीं है? दुनिया में एकमात्र ऐसा झंडा है जो चतुर्भुज नहीं है। इस झंडे में 2 त्रिकोणीय आकार होते हैं जिन्हें अक्सर पेनॉन या पेनेंट कहा जाता है। इन्हें ध्वज बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसे 1962 में आधिकारिक रूप से नेपाल का झंडा बनाया गया था। दुनिया में केवल 2 चौकोर आकार के झंडे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 193 संपूर्ण झंडों में से 190 आयतकार हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप है। केवल 3 अलग हैं। 3 में से एक तो नेपाल है जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा स्विट्जरलैंड है और तीसरा वेटिकन सिटी का झंडा है। स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी का झंडा चौकोर यानी कि स्क्वायर शेप में होता है। आमतौर पर झंडे पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। आमतौर पर आपको हर एक झंडों पे कोई ना कोई सिंबल देखने को जरूर मिलेगा। कोई भी झंडा सादा नहीं होता। समान रूप से सूर्य, चंद्रमा, तारे, क्रॉस, त्रिकोण, वर्ग, इनमें से कोई ना कोई सिंबल जरूर आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन इन सिंबल्स का एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। उदाहरण के लिए, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में देखा जाता है और इसलिए उनके ध्वज के बीच में एक गोल आकार होता है जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग अक्सर देश के इतिहास में शामिल होते हैं। दुनिया के अधिकांश झंडों में कुछ खास प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाल, नीला, पीला, लेकिन कुछ अनोखे भी होते हैं। लाल रंग बुरी चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। एक उदाहरण के लिए, पुर्तगाल अपने देश के लिए लड़ाई में खोए खून का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल रंग का उपयोग करता है, जबकि मोरक्को के देश के लोग बहादुरी और ताकत का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल रंग का उपयोग करते हैं। वे दोनों बताते हैं कि लोगों को पूरे इतिहास में नुकसान हुआ है, इसलिए उनके लिए झंडे में लाल रंग का प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। बैंगनी रंग झंडे पर इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे दुर्लभ रंग है। सबसे असामान्य रंग जो एक ध्वज पर पाया जा सकता है वह बैंगनी है। यह केवल दुनिया के 2 झंडों पर प्रयोग किया जाता है। बैंगनी अक्सर रॉयल्टी या समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि आज अधिक झंडे पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। यह निकारगुआ के ध्वज पर और डोमिनिका के ध्वज पर पाया जा सकता है। बेलिस के ध्वज में दुनिया के किसी भी ध्वज से सबसे अधिक रंग है। जटिल डिजाइनों के साथ बहुत सारे झंडे हैं जिनमें बहुत सारे रंग शामिल हैं, और यह तर्क दिया जा सकता है कि इतने सारे रंगीन झंडे हैं कि वास्तव में यह कहना मुश्किल है कि सबसे रंगीन कौन सा है। हालांकि बेलिस के ध्वज में कुल 12 रंग हैं, जिससे यह सबसे अधिक रंगों वाला ध्वज है। डेनमार्क का झंडा दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। सैकड़ों वर्षों से झंडों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन देशों के विकसित होते ही झंडा भी बदल लिया जाता है। हालांकि दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला देश का झंडा डेनमार्क का झंडा है। एक ही सफ़ेद पट्टी के साथ लाल बैकग्राउंड पहली बार 1625 में इस्तेमाल किया गया था और आज भी वही है। दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया झंडा है। दुनिया में सबसे नया झंडा दक्षिण सूडान का झंडा है। इसे 9 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। 3 अलग अलग प्रकार के ध्वज समूह होते हैं। चलिए आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं।
तीन मुख्य श्रेणियां हैं जो समूह देशों के लिए उपयोग की जाती हैं, जो अपने झंडों में समान रंगों का उपयोग करते हैं। जैसे कि यूरोप में जितने भी देश हैं, अधिकतर उनके झंडों में लाल, सफ़ेद और नीले रंग का उपयोग किया जाता है। वैसे ही अफ्रीकी देशों के झंडों में लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग किया जाता है, और अरब देशों के झंडों में सफ़ेद, लाल, हरे और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ये देश मध्य पूर्व में स्थित हैं। दुनिया में चार झंडे हैं जिनमें अग्नि अस्त्रों का प्रयोग है। कुछ ऐसे झंडे हैं जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो शांति पाने से पहले युद्ध या झगड़ने का प्रतीक है। कई के पास कुल्हाड़ी, तीर, तोप, भाले इत्यादि जैसे वेपन सिंबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल चार देश ऐसे हैं जो अपने झंडों में वेपन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। इन चार देशों के नाम हैं मोजम्बिकी, ग्वाटेमाला, हाइती, बोलीविया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।